तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी सी चटनी लेके आई हूँ, और ये वाली जो चटनी है इसको बनाने के बाद आपकी तारीफ़ होनी लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ही बढ़िया बन के ये तैयार होती है। आप अगर सब्ज़ी भी ना बनाएं ना तब भी आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होगी। आप बच्चों को टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं और खाने के साथ खाइए तो स्वाद बढ़ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मज़ेदार रेसिपी बनाना। टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे, और जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही लाल लाल बढ़िया से टमाटर 5 ले लिए हैं, और वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से बॉईल होने के लिए। गैस की जो आंच है वो धीमी रखेंगे, यानी कि ना ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत तेज़ होनी चाहिए, मीडियम रखेंगे। और बस ये देखिए, इसको हम इस तरह से पलट के देखेंगे कि इसके जो छिलके हैं वो अपनी स्किन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देंगे, और ये देखिए इसकी जो ये स्किन है, इसके जो छिलके हैं उसको हमें इस तरह से हटा लेना है, क्योंकि थोड़े से गर्म है इसलिए सावधानी से आप इसको हटा लें। तो बस इस तरह से हमने जितने भी टमाटर हैं सबकी स्किन को हमने अलग कर लिया है। अब हम एक गैस पैन चढ़ाएंगे गैस पे, इसमें हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने, अगर सरसों के दाने ना हो तो आप इसमें राई भी डाल सकते हैं, और 6 से 7 मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। इससे जो हमारी चटनी है बिल्कुल लाजवाब बनके तैयार होगी। तो बस इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और कलर चेंज हो जाने के बाद हम इनको एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इनको सबसे लास्ट में डालेंगे। तो ये बस इस तरह से हम एक कटोरी में इसको हम निकाल लेंगे, और अब हम इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप खाते हैं तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और अब इसको हम अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से चला लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, और टमाटर जो है वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे हम इसमें ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हम इसको मैश कर देंगे इस तरह से स्पैचुला से प्रेस करते हुए, और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काला नमक, आप चाहे नॉर्मल भी डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच इसमें बढ़िया सा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और इससे क्या होगा इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। लाल मिर्च जो है कश्मीरी वो दिखी नहीं होती है, बट इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसको ढक के छोड़ देंगे हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे, और 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद हम ये देखेंगे तो हमारे जो टमाटर है सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस स्पैचुला से, इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। अगर ये थोड़े से हार्ड रह जाते हैं तो आप पोटैटो मैशर लीजिए, उससे भी हम इसको प्रेस करके एकदम अच्छे से बिल्कुल इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी पोटैटो मैशर ले लिया है, और ये लीजिए थोड़ा सा हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे, और ये बढ़िया से हमारे जो है मैश हो चुके हैं। एक बार हम इसको स्पैचुला से अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, और बिल्कुल इसकी जो आंच है वो हम धीमी ही रखेंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद हम देखेंगे तो ये बढ़िया से इसमें उबाल आ चुका है। बस अब इसमें गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इसको हम नीचे उतार लेंगे, और बस अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमने जो काजू फ्राई करे थे वो डाल देंगे, और यहाँ पे हम एक खीरा लेंगे, उसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये मैंने इसमें काट लिया, ये देखिए बढ़िया क्यूब से मैंने इसको काट लिया है। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक काट लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 ही प्याज ली है, और 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्च ले लेंगे। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे जो इसका स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है। और 1/2 चम्मच मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ यानी चिली फ्लेक्स, 1/2 इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो मेरे को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आप इसको पूड़ी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको बच्चों को टिफिन में देना है तो वो भी दे सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ फाइनली हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब आ रही है इसको एक बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे,
और हमारे ये वाला जो बाउल है डाइनिंग टेबल पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही बढ़िया सा हमारा एक सैलेड कह लीजिए या फिर चटनी कह लीजिए, बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। आप इसको एक बार बनाइए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसके टेस्ट के तो क्या ही कहिए। तो दोस्तों देखते हैं कितना बढ़िया ये लग रहा है। चलिए अब मैं आपको उसको थोड़ा सा मिक्स करके भी दिखाती हूँ कि ये फाइनली कैसा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही जूसी टेस्टी चटपटी हमारी एक चटनी बनके तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम पराठे पूड़ी चपाती के साथ सर्व कीजिए, मज़े की ये बनके तैयार होती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।